अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसनैन असलम उस्ताद जी चैनल में आपको खुश आमदीद। ये हम आपको दिखा रहे हैं दो ब्रेकर, जब हम किसी जगह पे लगाएं जहां पे एक टाइम में एक ही ब्रेकर हमें ऑन करना है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल इंटरलॉक यूज करते हैं। तो मैकेनिकल इंटरलॉक, ये श्नाइडर का है हमारे पास, अभी ये 630 एम्पीयर के जो ब्रेकर है उसके लिए है। तो ये कैसे लगाते हैं और ये कुछ हम आपको दिखाएंगे। ये मोटरें हैं जो ब्रेकर के ऊपर लगेंगे। अगर ब्रेकर को आप किसी कंट्रोल के जरिए, कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे ATS हो गया या फिर कोई चेंज ओवर ऑटोमेटिक, तो वहां पे आप फिर ये ब्रेकर के ऊपर मोटरें भी लगेंगी। तो ये मैकेनिकल ओक है, ये इसकी कुछ एसेसरी है, स्क्रू वगैरह। तो इसको हम निकाल के अभी रखते हैं साइड पे, यहाँ पे ये भी साइड पे आ गए। ये है प्लेट, ये मोटर है, ये ब्रेकर के ऊपर लगेगी। ये देखिए, इसको इधर रखते हैं। ये ब्रेकर मोटर के साथ कुछ एक्सेसरी है, ये स्क्रू वगैरह, और ये भी इसके ऊपर लगेगी। ये दूसरी मोटर है, दो मोटरें लगेंगी। और ये ब्रेकर है श्नाइडर का, 630 एम्पीयर का है ये, ठीक है। ये स्क्रू वगैरह इसके मेन, ये ब्रेकर फिट करने के लिए, ये नॉब है, ठीक। तो ये है ब्रेकर। ये 630 एम्पीयर का ब्रेकर है हमारे पास। हाँ जी दोस्तों, ये मैकेनिकल प्लेट है मैकेनिकल इंटरलॉक के लिए। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये देखिए, ये आपको प्लास्टिक नजर आ रहा है। ये जब ब्रेकर ऑन होता है एक, तो उसको ये ऐसे पुश करता है, तो दूसरा वाला जो है वो फिर उसके अंदर जो प्लास्टिक सी लगी होती है वो उसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करता है, जिससे दूसरा ऑन नहीं होता। तो ये मैकेनिकल होता है ताकि एक टाइम में एक ही ब्रेकर ऑन हो। ये ब्रेकर है, इसको इसकी जो बैक साइड पे प्लास्टिक लगी होती है, यहाँ पे एक, यहाँ पे होती है, ये इसके अंदर लगेंगी। ये ब्रेकर की बैक साइड पे जब देखेंगे, ये हमने निकाल देनी है पेचकस, ये भी, ये एक मैंने निकाल के रखी हुई है, ये देखिए, ये यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से। तो इसके अंदर सेफ्टी लॉक लगता है, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम बाद में लगाएंगे। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल आसान है, वो बहुत इजी है उसको लगाना। तो करना क्या है, आपने एक ब्रेकर इस तरफ रख देना, जो उसकी फिटिंग आएगी, ये दोनों ब्रेकर हमने ऊपर रख दिए, ठीक है। स्क्रू ड्राइव से ये जो इसके साथ ही आए हैं स्क्रू ड्राइव,
ये इसका कवर, ये तीन स्क्रू खोल लिया हमने, ये निकाल लेंगे। ये स्टिकर जो है ये बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोटर के ऊपर जो इसके ऊपर लगेगी। तो अभी ये कवर उतार दिए तो कवर दोबारा नहीं लगेगा, ये वाला, ये अब साइड पर रखेंगे, इसके ऊपर आएगी अब मोटर। ये उतार देना स्टिकर, इसका ये वाला स्क्रू खोलना है आपने पहले। ये निकाल के इसको इसके ऊपर बिठाना है ब्रेकर के, और ये मोटर इस तरह हमने इसके स्क्रू वगैरह लगा लिए। अच्छा, जब ब्रेकर जब इसका कवर ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ और भी एक्सेसरी आप लगा सकते हैं, जैसे ये ओएफ लिखा हुआ है तो ओएफ में ये एक्सिलरी होती है ब्रेकर की, ये देखिए, ये एक्सिलरी कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर ऑन ऑफ के लिए चाहिए तो जहाँ पे OF लिखा हुआ वहाँ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो वो एक जैसा स्टेटस आपको मिलेगा। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे या हो सकता है आप तीन लगा लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ST लिखा हुआ है, ST जब ये ब्रेकर ट्रिप होगा तब ये एक्सिलरी काम करेगा, तो ये ट्रिपिंग के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसको पहले इस तरफ से लगाएंगे, ये फिट हो गई। और इसके अंदर क्या लगता है, ये MX है जिसको शंट ट्रिप भी कहते हैं, और ये MN है, ये देखिए, ये UVT अंडर वोल्टेज भी इसको कहते हैं, ये शंट ट्रिप, ये देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है SHT शंट ट्रिप। मुख्तलिफ वोल्टेज की होती है, ये इसके स्क्रू नहीं है अभी गिर गए। अच्छा, ये UVR अंडर वोल्टेज रिलीज, और MN भी इसको शनेडर वाले मेंशन करते हैं। ये यहाँ पे लगती है, या तो आप MN लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप MX लगा सकते हैं शंट। इनका फंक्शन क्या है, ये इसके लिए एक अलहदा पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि सही तरह समझ आए। ये कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कंट्रोल में आप इसको ब्रेकर को ऑन करना है, ऑफ करना है, ट्रिप कराना है, तो वहाँ पे इसकी ये लगती। इसको कैसे लगाना है, ये ब्रेकर अभी ट्रिप है, तो ट्रिप में आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे, और यहाँ पर रख के ऐसे बस ये लग गई, बिल्कुल सिंपल और आसान है जी। ये मोटर है अंदर सारा इसका, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये ब्रेकर के साथ जब इस तरह इसको बंद कर देंगे, तो कंट्रोल के साथ पूरा जब उसमें उसकी वायर वगैरह यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या किसी दूसरी जगह पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेकर आप ट्रिप की हालत में इसको रख के, अगर ऑन है तो आप इसमें ये जो इधर बना होता है ये, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। मेन जो काम है इसका, ये इसको जो इसकी नाब है ये
ये इसके अंदर यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो कैसे हम इसको लेके आएंगे, ये अभी ऊपर की तरफ है तो वो फिट नहीं होगा। तो फिर क्या करें हम इसको, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑटो पे है, इसको मैनुअल पे कर लें। मैनुअल पे करने से क्या होगा, ये जो इसकी नाब है ये काम करना शुरू हो जाएगी। तो हमने साथ साथ इसको देखना है कि ये तकरीबन वहाँ पे आ रही है कि नहीं, साथ में हमने इसको हटाना है और ये देखना है कि ये पूरी ऊपर बैठ गई है कि नहीं। ये अभी सही ब्रेकर ऊपर फिट हो गया, तो इसका ये जो ये वाला स्क्रू है, सॉरी हाँ जी, ये इसको टाइट कर देंगे, ये फिट हो गया। अच्छा ये जो स्टिकर है ये देखें, ये क्योंकि कवर उतार दिया तो जो ब्रेकर नीचे लगाया है उसके अंदर ही एक स्टिकर निकलेगा, तो वो स्टिकर आपने मोटर के ऊपर लगा देना ताकि पता लगे कि ब्रेकर कितने एम्पेयर के। ये दूसरी मोटर का ये देखिए 630 F जो इसका फ्रेम है वो लिखा हुआ है, और ब्रेकर के जो वोल्टेज है वो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, 250 से लेके 630 एम्पीयर तक आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। ये उसकी ट्रिपिंग कैपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए या ये सेटिंग है सारी ब्रेकर की। ये स्टिकर लग गया यहाँ पे, और इसके साथ और एक्सेसरी, ये जो नाब है ये नहीं लगेगी, ये जो शीशा है ये इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह ये एक खूबसूरत ब्रेकर हो गया। इसको जब ऐसे करेंगे तो ये स्विच को ऑटो मैनुअल पे, अभी मैनुअल पे क्यों किया है, मैनुअल पे ये जो है मैनुअल चार्जिंग, ये चार्ज हो गया अभी, ठीक है। यहाँ से आप फोन कर सकते हैं इसको, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, अभी दोबारा ये ऑन नहीं होगा। इसको जब तक दोबारा चार्ज नहीं करेंगे ये चार्ज हो, ये तकरीबन 6-7 बार इसको जब आप ऐसे हैंडल को पकड़ के करेंगे तो ये चार्ज हो। चार्ज क्या होगी, मतलब वो उसको स्प्रिंग जो है उसका वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा ये जो लगा हुआ प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा होगा, इसको निकाल के प्लास्टिक को तो यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। लॉक क्या होगा कि उसको उसके साथ की होगी एक चाबी होगी, तो उसको जब हम ऑफ कर देंगे तो फिर ना तो इसको यहाँ से कोई ऑन कर सकता है और ना ही इसकी जो कंट्रोल वायर है उससे इसको कोई ऑन ऑफ कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, ये मोटर के अंदर जो इसके कनेक्शन है वो ये देखिए, ये जो स्टिकर लगा हुआ इसी तरीके से ये यहाँ पे कनेक्शन होंगे, जैसे ये A1 है तो ये A1 ये है, ठीक है। तो A1 और ये B4 इसमें हम लगा देंगे 220 वोल्ट की अगर मोटर तो 220 लगा देंगे, और ये जो दो हैं ये ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे जब हम देंगे फेस एक से ऑन होगी एक से ऑफ होगी। तो ये ATS के लिए है ये ब्रेकर जो हम लगा रहे हैं अभी, तो ये कंट्रोल जब हम इसका बनाएंगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये कैसे काम करता है, मोटर ब्रेकर के साथ कैसे काम करती है। ये चार्ज होगी, ये ऑन होगी और ये बस। तो ये इसके साथ कुछ एक्सेसरी जो है ये अभी हम नहीं यूज़ कर रहे, कंट्रोल के हिसाब से जैसे आपको कुछ चाहिए तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी ATS की जो प्लेट है ये इसको इसी तरह ऐसे फिट कर देंगे, और ये इसके साथ स्क्रू है, मेन बस बार यहाँ पे लगेगी या केबल लगेगी
वहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया।